मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की बरसक कोशिश हो रही है। आप क्या औकात बता रहे हो सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये मेरे पुरोलिया के भाइयों बहनों को कहने आया हूँ, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए, 3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी। वह शर्म है कुछ, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ए सफेद कपड़ा, ओ कुछ शर्म आया है। बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, हर किसान के घर में एक साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक साथ 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरी बात आशीर्वाद दे दीजिए, हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी योगी सरकार उसको मुफ्त में स्कूटी देने वाली है। स्कूटी देने। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। 5 साल तक सारा बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने वाले। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जिनके पास भी उज्ज्वला का गैस है, होली और दिवाली में एक एक गैस आपको 2 गैस साल में मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे मित्रों। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की बरसक कोशिश हो रही है। तो क्या करूं ना। जब मुफ्त रेवड़ियों की इतनी चिंता थी, तब यूपी चुनाव में ई श्रम कार्ड वालों के खाते में 1,000 रुपए क्यों डाले गए? जब यूपी में दिए गए तब पूरे देश के 28 करोड़ ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में पैसे क्यों नहीं गए? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं चिंतित हुए कि मुफ्त की रेवड़ियां ठीक नहीं हैं? और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। अभी बता दे, अभी उंगली किया ना, आइए देखते हैं मजारा। कुछ महीने पहले सरकार ने विधानसभा में बताया था कि बेरोजगार युवकों की भर्ती परीक्षा पर कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले 10 सालों में 1,046 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। लेकिन एक सेकंड, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जबकि खर्च किए हैं मात्र 502 करोड़ यानी बेरोजगारों से 544 करोड़ रुपए की कमाई। सबके सब चोर हैं साले। संस्थाएं इन बेरोजगार उम्मीदवारों के बूते ही करोड़ों कमा रही है। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है। आर यू कॉमेडी मी। डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। ये बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही, डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास करके जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता का। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बीजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में जिन 75 संकल्पों का जिक्र किया जिन्हें 2022 तक पूरा होना था कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल होनी थी, उस वादे का क्या हुआ? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ।